तो गाइस कल की स्मैकडाउन होने वाली काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी कुछ करना होगा टीएलसी पेपरव्यू को अहेड देखते हुए। तो मतलब सर्वाइवर सीरीज के बाद की ये पहली स्मैकडाउन है, तो मतलब काफी कुछ हमें चीजें देखने को मिलेगी। तो क्या क्या होगा कल की स्मैकडाउन में हम इस वीडियो में बात करेंगे, यानी कि ये वीडियो स्मैकडाउन की हाइलाइट्स प्रीव्यू के बारे में। आपको देखने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक कर दो, इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो कल के स्मैकडाउन में हमें देखने को मिल सकती है वो होगी यहाँ पे फायरफ्लाई फन हाउस का एक सेगमेंट, जहाँ पे की ब्रेव आइट आएंगे और वो फायरफ्लाई फन हाउस के एक न्यू कैरेक्टर को वहाँ पे अपीयर करेंगे, यानी कि एक न्यू कैरेक्टर हमें वहाँ पे इमर्ज होते हुए देख सकता है। ऐसे में मतलब रूमर्स ये हैं कि सिस्टर एबिगेल हो सकती है और जो कैरेक्टर होगी वो एक फीमेल कैरेक्टर होगी। तो ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि लिव मॉर्गन हो सकती है वो कैरेक्टर, तो वहाँ पे हमें एक न्यू कैरेक्टर फायरफ्लाई फन हाउस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ों में कल की स्मैकडाउन में देखने को मिलेगी वो होगी द न्यू डे की एक मैच, हमें भी हो सकता है द रिवाइवल के अगेंस्ट, जहाँ पे कि वो टैग टीम चैंपियनशिप अपनी डिफेंड करेगी न्यू डे। तो ऐसे में द न्यू डे हो सकती है कि हरा दे रिवाइवल को, और उसके बाद जो है रिवाइवल के जाने के बाद या फिर न्यू डे सेलिब्रेट करने के दौरान हमें वहाँ पे रॉबर्ट रुडोल्फ चिल्लाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने स्मैकडाउन से पहले जो सर्वाइवर सीरीज हुई, यानी कि मतलब अभी जो स्मैकडाउन होने वाली उससे पहले हमने सर्वाइवर सीरीज देखा, तो वहाँ पे हमें जो चीज़ देखने को मिली थी वो थी किक ऑफ शो में कि जो 10 मैन टैग टीम का जो बैटल रोल था वहाँ पे जीतते हैं रॉबर्ट रुडोल्फ चिल्लर। तो मे बी यहाँ पे रॉबर्ट रुडोल्फ चिल्लर आकर अटैक कर सकते हैं न्यू डे को और टीएलसी के एक टैग टीम की अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें कल की स्मैकडाउन में देखने को मिलेगी वो होगी बेली की साशा बैंक्स के साथ एंट्रेंस, वहाँ पे हमें बेली आने को दिखेंगी। बेली आएंगे एक प्रोमो कट करेंगी जिसके दौरान उनका एक मैच हमें फिक्स होते हुए दिख सकता है, मे बी स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगी फीमेल सुपरस्टार जो कि अपोनेंट होंगी बेली की, माना है रूमर्स के हिसाब से वो हो सकती हैं एलेक्सा ब्लिस, और एलेक्सा ब्लिस वहाँ पे जो रोल है वो निभाएंगी बेबी फेस का। और बेली तो आपको पता है एज यूजली अभी के रोल के हिसाब से वो हील का रोल निभाने वाली हैं, तो अगर ये मैच होता है मतलब स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप के लिए तो वो मैच जीतेंगी एलेक्सा ब्लिस। नेक्स्ट चीज़ हमें कल के स्मैकडाउन में देखने को मिलेगी वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा डेनियल ब्रायन का एंट्रेंस, जहाँ पे डेनियल ब्रायन आएंगे और वो एक स्पीच देंगे, जहाँ पे उनकी स्पीच से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे फेस जो डेनियल ब्रायन थे यानी कि जो फेस रोल वाले डेनियल ब्रायन थे वो बैक आ चुके हैं और वहाँ पे यस चैंट्स लगने वाले ही होंगे, तब तक आएंगे सेमी जेन और सिंस के नाकाम मुड़ा। यहाँ पे जो हमें चीज़ देखने को मिलेगी वो होगी कि दोनों एक बार फिर से ट्राई करेंगे डेनियल ब्रायन को कन्विंस करने के लिए कि वो यस मूवमेंट वापस ना लाएं। तो यहाँ पे हमें ऐसे कुछ देखने को मिल सकता है कि डेनियल ब्रायन और फिर जो सिंस के नाकाम मुड़ा और हमें जो यहाँ पे है सेमी जेन, उन तीनों के बीच में एक ब्रॉल देखने को मिल सकती है। तो 2-on-1 का यहाँ पे सिचुएशन पैदा हो जाएगा जहाँ पे कि मतलब सिंस के नाकाम मुड़ा और सेमी जेन जब तगड़ा अटैक करेंगे डेनियल ब्रायन पे, तो ऐसे में डेनियल ब्रायन का साथ देने आ सकते हैं रोमन रेंस। तो पॉसिबली हमें आने वाले सेगमेंट में मैच देखने को मिलेगा मेन इवेंट में स्मैकडाउन के, रोमन रेंस डेनियल ब्रायन वर्सेस सिंस के नाकामुरा और सेमी जेन के बीच में। तो ऐसा कुछ हमें स्मैकडाउन के मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। तो इतनी जो चीज़ें आपको कल के स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगी, इससे भी कई ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो मतलब काफ़ी कुछ होगा कल के स्मैकडाउन में। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मैं जाना।